नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि यूनिट कन्वर्जन है, जो कि आपको कंपनी में अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनियां जो हर बार क्या इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं कि यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड, तो आपको डाउट ना, क्योंकि क्या गाँव में अभी क्या गाँव में बोलेंगे 1 इंच इक्वल टू कितना होता है, गाँव में अभी बोलेंगे 25 mm, 1 इंच इक्वल टू गाँव में बोलेंगे 25 mm, बट एक्चुअल में होता क्या है इंजीनियरिंग में, अभी आप इंजीनियर हो, गांव के मिस्त्री क्या बोलते हैं, 1 mm में 25, 1 इंच में 25 mm होते हैं, बट इंजीनियर हो तो आपको रियल जो क्या है वो पता होना चाहिए। आप 25 करें काउंट वो अलग की बात, बट एक्चुअल में होता कितना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियर हैं। इसके लिए यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी आपको क्या है काम आने वाली चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान रखना है, और कैसे क्या आता है यूनिट कन्वर्जन ये भी बताएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो, ठीक है। अभी देखिए 1 इंच, अभी 1 इंच में गांव में क्या बोलते हैं, 1 इंच यानी बोलते हैं कि 25 mm होता है 1 इंच में, बट यहाँ पर क्या होता है 1 इंच में 25.4% होता है, यानी 25.4 mm होता है, ठीक है। यानी एक जो 1 इंच होता है उसमें 25.4 mm होता है, ठीक है। वहीं पर आपको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर में आपको 10 mm होता है, ठीक है। कितने एमएम होता है ये आपको नॉर्मली सबको भी पता है, बट यहीं पर आ जाता है बात 1 इंच में, 1 इंच में कितने सूत होते हैं ये आपकी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो आप याद कर लिए 1 इंच में आपको 8 सूत होते हैं, और एक सूत में कितने एमएम होते हैं, तो एक सूत में जो आपका एमएम होता है वो नॉर्मली बोलते हैं सब 3 mm होता है, ठीक है, बट 3 से अधिक होता है। कैसे निकले अभी देखिए, निकला कैसे, अभी 1 इंच में कितना आपका अभी एमएम होता है, अभी 1 इंच में 8 सूत होता है ना, और 1 इंच में कितना एमएम होता है, 1 इंच में 25.4 mm होता है, ठीक है। तो एक हमको एमएम में बदलना है, तो 25.4 को यानी 1 इंच में 25.4 mm, 1 इंच में 8 सूत, तो हमको एक सूत में कितना, तो यानी कि एक 8 से डिवाइड कर देंगे, 25.4/8, तो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, 3.175 mm। तो 3.175 mm को, ये 0.175 mm को आप निग्लिजिबल है यानी नहीं के बराबर, आपको विजिबल ही नहीं होगा, इसके लिए हम 3 mm मान लेते हैं, यानी एक सूत्र में कितना 3 mm मान के चलते हैं, बट एक्चुअल में इतना होता है, ठीक है। अभी आगे देखिए, अभी 1 फीट में कितना होता है, 1 फीट में आपका 12 इंच होता है, 1 फीट में कितना होता है 12 इंच होता है। अभी देखिएगा यहाँ पर, अभी जब कोई भी गांव में बोलते हैं 1 फीट में कितना बोलते हैं, 1 फीट में सीधे आप बोल देते हैं 300 mm होता है, ऐसा बोलते हैं ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। कैसे, अभी 1 फीट में कितना mm होगा आपको ये देखिए, तो 12 हो गया गुड़े इंच को, आप जब इंच को अभी ऊपर ही बताया है, इंच को जब अभी mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना करेंगे, 25.4 करेंगे, ठीक है। इंच को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 25.4, अब जैसे 25.4 का 12 में गुणा करेंगे तो 304.8 होता है, बट मानते कितना है गांव में, यानी कि जो काम जो करते हैं 1 फीट में बोलते हैं सब 300 mm होता है, इतना बोलते हैं ना, बट यहाँ 304.8 होता है mm होता है, ठीक है, एक्चुअल में। और चलिए आगे अब देखते हैं, आगे अगर 1 मीटर में कितना एमएम होता है, 1 मीटर में 1000 mm होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है, बट अब आगे देखिए यूनिट कन्वर्जन, 1 मीटर को जब हम फीट में चेंज करेंगे, 1 मीटर को जो फीट में चेंज करेंगे तो कितना फीट हो जाएगा आपका, 3.281 फीट होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया, अब बात होगा, अब ये कैसे आया 3.218 फीट, तो इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 मीटर में 1000 mm इतना होता है, फीट में बदलना है, तो 1 फीट में कितना एमएम होता है, 1 फीट 304.8 mm होता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे आप, आपको 1 मीटर में 1000, 1000 में आपको 304.8 से भाग दे देना है, तो 1000 mm बटे इस फीट में बदलना है, तो फीट को एमएम बदल लेंगे तो 304.8, जैसे ही भाग देंगे आपको मिल जाएगा 3.281 फीट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे भी देखिए, 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर जो फीट होता है 10.76 होता है 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 m³ बोल सकते हैं या मीटर क्यूब बोल सकते हैं, 35.31 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। अगर आपको 1 m³ है तो 1 m³ का
इसको या क्यूबिक फीट में, यानी क्यूबिक फीट को 60 में बोलते हैं सी एफ टी बोलते हैं, ठीक है, या 60 में क्या बोलते हैं सी एफ टी बोलते हैं, ठीक है, क्यूबिक फीट को। तो एक एम क्यू में कितने क्यूबिक फीट, 35.31 यानी 35.31 क्यूबिक फीट होता है। एक ब्रश, इसको याद जरूर रख लिया गया क्योंकि ब्रश बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कंपनी वाले, ठीक है। अभी आप जैसे गांव से कंपनी ज्वाइन करेंगे तो ब्रश का पूछ लेते हैं, क्योंकि गांव में ब्रश नहीं चलता है, फीट चलता है, स्क्वायर फीट चलता है या क्यूबिक फीट चलता है, ऐसा चलता है। तो ब्रश याद करिए, यानी कि 100 यानी कि 100 क्यूबिक फीट जो होगा आपका, 100 क्यूबिक फीट एक ब्रश के बराबर होता है। अभी इसको क्यूबिक मीटर में जो चेंज करेंगे तो 2.831 एम क्यू हो गया, यानी कि मीटर क्यू हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, इतना ही यूनिट कन्वर्जन आपको याद ही रखना है, इतना ही यूनिट करो। और इसके साथ साथ एक और बता देता हूँ, जो एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है, आपको पता है, सबको पता है कि 50 kg होता है। अभी कहेंगे ये तो इजी क्वेश्चन, इसको बताने का क्या मतलब, लेकिन जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, अब आप बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, 50 kg का वॉल्यूम कितना होगा, आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, देखता हूँ किस किनको किनको पता है, ठीक है। इंटरव्यू में मेरे से खुद क्वेश्चन पूछा गया था, मैं जब ज्वाइनिंग करने गया तो एक बैग का वेट पूछा और उसके बाद तुरंत बाद उसका वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।